अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसी अली राजपूत फ्रॉम शालमी डॉट पी के। जैसे कि अपने कस्टमर के लिए आज लेकर आए हैं यूनिक 668 प्रोजेक्टर का रिव्यू, जो कि न्यू मॉडल आया है इसका। बहुत ही एंटीक किस्म का ये मॉडल है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पिक्चर क्वालिटी है। 1800 लूमेंस की पावर में आता है ये। मैट ब्लैक कलर का इसकी बॉडी है, बहुत मज़बूत बॉडी है, बहुत ही स्टाइलिश किस्म की है। नॉर्मल प्रोजेक्टर जैसा ही इसका साइज़ है। आप इसको कहीं पर भी कैरी करके बहुत इजीली ले जा सकते हैं। ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, वाईफाई रेडी आता है। वाईफाई मीन कि ये उसके साथ अपने आपके मोबाइल के वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर आपके मोबाइल का डाटा भी आपको दे सकता है। तो व्यूवर्स, इसको इसके बॉक्स में क्या क्या आता है, चलते हैं उसका रिव्यू करते हैं। आप इसको एज अ मल्टीमीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी, स्कूल, कॉलेजेस, घर, या एज अ होम थिएटर, आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये है मेन कंपोनेंट जिसके फ्रंट पे कुछ बटन दिए गए हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। और इसका लेंस बताता चलूँ तो ये ग्लास लेंस में आता है, ये प्लास्टिक लेंस नहीं आता। ये इसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, आप जैसे अपनी, जैसे आपका वो रूम है या पर्दा है इसका, या दीवार पर आप चलाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एलईडी लैंप होता है ये, वाईफाई होता है ये, इसके कुछ बटन्स हैं ऑफ, ऑन, राइट, लेफ़्ट। और ये वीजीए पोर्ट भी आती है इसके अंदर, वो भी इसमें आपको दिखाता चलूँ। उससे पहले आपको दिखाता चलूँ कि ये इसमें बहुत सारे ये इसमें फ़ीचर्स आते हैं। HDMI है, USB है, मेमोरी कार्ड है। उसके अलावा आप AV के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये आप वीजीए से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं इसके साथ। ये इसका रिमोट है, आप इसको रिमोट के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। पेंसिल सेल इसमें लगते हैं, बहुत लाइट वेट है, बहुत ही छोटे साइज़ का, कॉम्पैक्ट साइज़ का, इसको भी इजीली कैरी कर सकते हैं इसके साथ। ये इसकी केबल होती है, इसके थ्रू आप इसको लगाकर आप अपने पुरानी LCD या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि AV केबल के साथ चलती है उसके साथ भी इसको लगा सकते हैं। जस्ट आपने करना है कि इसको यहाँ पे प्लग इन करना है और अब AV के साथ आप कोई भी चीज़ इस पे साथ चला सकते हैं। फिर ये इसकी केबल इसके साथ आती है और ये रिमोट इसके साथ आता है। ये इसका मैनुअल है, मज़ीद आप इसकी जानकारी लेने के लिए इस मैनुअल को एक बार रीड कर सकते हैं। इसमें तमाम किस्म की इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ड्रॉ की गई है। व्यूअर्स, बॉक्स की तरफ चलते हैं तो ये बहुत ही इसका स्टाइलिश किस्म का बॉक्स है। यहाँ पर इसका सारा ये फीचर्स मेंशन किए गए हैं। एंड्रॉयड के साथ भी ये कनेक्ट हो जाता है, एप्पल आईफोन के साथ भी ये कनेक्ट हो जाता है, वो भी चल के आगे मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, इसका लाइव डेमो मैं आपको देता हूँ कि कैसे इसको आप चला सकते हैं, कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो भी इसका डेमो वो मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में। जी तो व्यूअर्स, मैंने इस टाइम प्रोजेक्टर को प्लग इन कर दिया है मेन लाइन में। अभी इस टाइम प्रोजेक्टर ऑन है बिल्कुल। अब मैं आपको USB लगाकर इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कम से कम व्यूअर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, ये 200 इंच तक ये एक्सपेंड करती है इसकी स्क्रीन। आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर इसका रिज़ल्ट होता है। अब देख सकते हैं, मैं स्क्रीन के आगे जाके आपको दिखाता हूँ। पहले तो सामने के व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 इंचेस तक एक्सीड करता है। अब मैं इसको आपको मज़ीद इसका क्लियरली आपको इसको मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि फॉन्ट्स भी जो हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो भी आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो व्यूवर्स, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। चलते हैं, इसको कैसे चलाना है मैं वो आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको USB के साथ लगा के आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। USB में आप कोई से भी मूवी आप इसमें करके आप इसको इजीली चला सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक मूवी, ये USB है जिसके साथ मैंने इसमें एक मूवी डाउनलोड करके वो मैं आपको, अब मैं कनेक्ट करके इसकी आपको मैं पिक्चर क्वालिटी दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब आपने ये स्क्रीन पे आपके कुछ आइकन्स दिए गए होते हैं, यहाँ पर आपने इसको ओके करना है। ये मूवीज़ का ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लेता है, मूवीज़ को, पिक्चर्स को। तो आप मूवीज़ को डिटेक्ट करके ना लगाते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में चेक करवाता हूँ आगे। यहाँ पर आप हेडफोन लगा सकते हैं, ये इसका AV का पोर्ट है, ये इसका HDMI का पोर्ट है। और ये USB के ऊपर देखें तो ये है मेमोरी कार्ड का स्लॉट, जहाँ पर आप मेमोरी कार्ड में भी डाटा करके लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अगले फीचर की तरफ चलता हूँ। अभी मैं इसके साथ HDMI की केबल मैंने इसके साथ अटैच कर दी है और ये एंड्रॉयड TV बॉक्स इसके साथ मैंने लगा दिया है। और ये ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, इसको मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। ज़्यादा आवाज़ के लिए आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा
जो साउंड सिस्टम होता है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रा मेरे लिए कैरी करने में आसानी थी, तो मैं आपको ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि ब्लूटूथ के थ्रू भी आप इसका साउंड ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब आपने यहाँ से HDMI का जो आइकन है उसको सेलेक्ट करके उसको ओके करना है। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं इसको ओके करता हूँ। ये तो व्यूअर्स, ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स का यूज़र इंटरफेस इस टाइम शो हो गया स्क्रीन पर, और वाईफाई से ये कनेक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसके साथ लगाने का, वो मैं दिखाता हूँ कि आप इससे गेम्स खेल सकते हैं, ब्राउज़र इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप जो चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। तो यूट्यूब का मैं आपको इसके साथ एक डेमो लगा के दिखाता हूँ। ये तो व्यूअर्स, मैंने इस टाइम यूट्यूब ऑन कर ली है। यहाँ से मैं कोई भी वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी क्लैरिटी कितनी फाइन है, आपको इतनी दूर से भी नज़र आ रहा है बिल्कुल कैमरा। इस टाइम ये कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है और इसका प्रिंट इतना फ़ाइन है, जब ये आपके सामने होगा तो इससे भी ज़्यादा आपको फ़ाइन महसूस होगा। बहुत इसका क्लैरिटी वाइज रिज़ल्ट है। 1800 लूमेंस इसकी पावर है, जो कि नॉर्मल प्रोजेक्टर में भी इतनी पावर का ही लेंस आता है। 20,000 आवर्स इसकी लाइफ होती है। अब देख सकते हैं इस टाइम ये सॉन्ग प्ले है, मैं दोबारा एक बार स्क्रीन के आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि 200 इंचेस से भी इस टाइम एक्सीड कर चुका है इसका साइज़, और बिल्कुल भी कहीं से भी आपको ये ब्लर नहीं नज़र आ रहा, बहुत फाइन प्रिंट है ओवरऑल। इसी तरह इस नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं, तो आप इस एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के साथ इसको कनेक्ट करके आप अपने लाइव चैनल्स को भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम लाइव चैनल्स आपके सामने, उनकी लिस्ट आ गई है। यहाँ पर मैं आपको इंडियन चैनल का लगा के पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। आप इस प्रोजेक्टर पे अपना टीवी भी देख सकते हैं, मीन टू से कि अपने चैनल्स जो आप देखते हैं वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आपको ये होम थिएटर बनाने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आप देख सकते हैं। प्राइस भी इसकी बहुत इकोनॉमिकल है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्रोडक्ट का रिव्यू देख रहे हैं तो प्राइस भी इसके आप जब जज करेंगे तो बहुत ही रीज़नेबल है प्रोडक्ट के लिहाज से। इसी तरह मैं आपको पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल बॉल का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम ये रिव्यू, ये भी बहुत फाइन और क्लियर रिज़ल्ट में आपके सामने है। इसी तरह क्रिकेट लवर्स के लिए इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल होते हैं एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में, तो राउंड अबाउट 300 से भी अब इसमें स्पोर्ट्स चैनल होते हैं। इस टाइम मैं आपको ये जियो सुपर का रिव्यू दिखाता हूँ करके। आप देख सकते हैं सिर्फ जियो सुपर प्ले हो गया है, ये भी बिल्कुल बाकी चैनल्स और बाकी जो भी मूवीज़ हैं उनकी तरह ही बहुत अच्छे से प्ले होता है, कहीं किस्म से भी ये आपको लैग नहीं करेगा। तो फिर अब चलते हैं मोबाइल के साथ इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि सामने अपने इसके आइकन्स जो आ रहे हैं, ये इस टाइम प्रोजेक्टर का यूज़र इंटरफेस है, मेन्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडिया के साथ आपको एक एयरप्ले का ऑप्शन में है, उसके साथ मीरा कास्टिंग है, उसके साथ वाईफाई कास्टिंग है, वायर कास्टिंग है। तो अब आप यहाँ पर एप्पल को कनेक्ट करने के लिए आप एयरप्ले में जाएंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये एप्पल 6S फ़ोन है, आईफोन 6S। तो मैं आपको इसका तरीक़ेकार बताता हूँ, बहुत ईजी होता है। जैसे ही आप वो उस ऑप्शन को ओके करते हैं, उसके बाद आपने करना ही है कि अपने मोबाइल के वाईफाई में जाना है। अब अपने मोबाइल के वाईफाई में जैसे ही जाएंगे, तो ये जो सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है लॉलीपॉप, ये आपके उसमें वाईफाई में शो हो जाएगा आपको। ये तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये शो हो रहा है, जो सेम सामने लिखा हुआ है वही यहाँ पर शो हो रहा है। इसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ उस मोबाइल के साथ, और जस्ट फ्यू सेकंड्स का वेट, उसके बाद ये मोबाइल आपका प्रोजेक्टर के साथ अटैच हो जाता है। इसको आप विदाउट एंड्रॉयड बॉक्स भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस फीचर को अपने प्रोजेक्टर के साथ। तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर एयरप्ले में जाएंगे तो यहाँ पर भी ये शो हो जाएगा आपने जस्ट इसको। तो व्यूअर्स, ये तो था आईफोन को कनेक्ट करके दिखाने का डेमो। अब आपको मैं इसको एंड्रॉयड मोबाइल का दिखाता हूँ डेमो, कि वो किस तरह इसके साथ कनेक्ट करता है। ये तो व्यूअर्स, अब ये मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी S7H का मैं आपको इसके साथ पेयर करने का तरीका कर दिखाता हूँ, और ये भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये पेयर होता है। आप
देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन, ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्टर है कि जिसके साथ आपके एंड्रॉयड और iOS दोनों फ़ोन इसके साथ पेयर हो सकते हैं। जरूर से आपने करना ये है कि सेम प्रोसीजर को फॉलो अप करना है, वाईफाई में जाना है, सामने जो भी लिखाएगा लॉलीपॉप उसको कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये एंड्रॉयड मोबाइल भी इसके साथ कनेक्ट हो गया। सो व्यूवर्स, ये तो था आज का प्रोजेक्टर का रिव्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोजेक्टर को ऑर्डर करने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रابطہ करें, कॉल करें, SMS करें। फ्री कैश ऑन डिलीवरी होगी पूरे पाकिस्तान में। 10,000 इसकी प्राइस है, वो भी आपको स्क्रीन पर मेंशन नज़र आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर अगेन व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।